गाइज, इन दिनों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कई सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जबरदस्त फिल्में चल रही हैं, जिनमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2, जॉन अब्राहम फिल्म वेदा और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म खेल खेल में जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें, ये सभी फिल्मों को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के 3रे दिन के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन सभी फिल्मों के 4थे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार स्टारर फिल्म खेल खेल में के बारे में। आपको बता दें, ये एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें अक्षय कुमार, प्रज्ञा जायसवाल, वानी कपूर, फंदीन खान, तापसी पन्नू, आदित्य सील और एमी विर्क जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है। साथ ही साथ आपको बता, इस फिल्म को IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की धमाकेदार रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इस फिल्म ने 2.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 3रे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2.85 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म खेल खेल का टोटल 3 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9.95 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 15.90 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 4थे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 4थे दिन यानी अपने पहले रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3.20 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही सब बात कर लेते हैं जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म वेदा के बारे में। आपको बता दें, ये एक एक्शन थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें जॉन अब्राहम, सरवरी, तमन्ना भाटिया, क्षितिज चौहान, अभिषेक बनर्जी, आशीष विद्यार्थी और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन निखिल अडवाणी ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 6.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इस फिल्म ने 1.80 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 3रे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2.40 करोड़ रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म वेदा का टोटल 3 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10.50 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए के रेंज बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म वेदा ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 14.50 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 4थे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 4थे दिन यानी अपने पहले रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2.80 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। वही सब बात कर लेते हैं राजकुमार राव स्टारर फिल्म स्त्री 2 के बारे में। आपको बता दें, ये एक हॉरर कॉमेडी थ्रिलर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 4500 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट में हमें राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, विजय राज, कुमुद मिश्रा और अभिषेक बनर्जी जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 60.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इस फिल्म ने 31.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 3रे दिन यानी अपने पहले शनिवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 45 लाख रुपए के रेंज में दमदार कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म स्त्री 2 का टोटल 3 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 136.70 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म के वर्ल्ड
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें फिल्म स्त्री 2 ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 185 करोड़ रुपए के रेंज में शानदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के चौथे दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने चौथे दिन यानी अपने पहले रविवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 50 करोड़ रुपए के रेंज में धमाकेदार कलेक्शन करने वाली है। उसके आपको फिल्म वेदा, खेल खेल में और स्त्री 2 में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।